हेलो एवरीवन। तो हम जल्दी लालगढ़ पैलेस के श्री सादुल म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के लिए आई होप आपने हमारे बीकानेर के आगे के एपिसोड तो देख ही लिए होंगे। तो हम पहुंच गए सादुल म्यूज़ियम। हमने टिकट काउंटर से टिकट कलेक्ट की। हमने पर पर्सन 50 रुपीज़ पे किया। ये म्यूज़ियम बीकानेर के महान राजाओं गंगा सिंह, सादुल सिंह और कर्णी सिंह को समर्पित है। इस म्यूजियम में हमने रॉयल ट्रेन भी देखी। म्यूजियम में रॉयल ट्रेन को देखकर तो हम हैरान हो गए, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि म्यूजियम में हमें रॉयल ट्रेन भी देखने को मिल सकती है। आगे हमने कई रॉयल पेंटिंग्स, ट्रॉफीज़ और शाही फैमिली पिक्चर्स भी देखी। ये सब देखकर तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपको बता दें कि ये म्यूजियम मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और संडे को बंद रहता है। वैसे तो हम बीकानेर कई बार गए हैं, लेकिन ये म्यूजियम हम पहली बार देख रहे हैं, इसलिए हमारी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर है। आप भी हमारे साथ इस म्यूजियम को देखिए। जब तक मैं आपको अपना फेवरेट पुराना सॉन्ग सुनाती हूँ। लला 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 लला, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पर नहीं किसी से कम। आकाश तले जो फूल खिले वो फूल बनेंगे हम। बादल के घेरे में, शोलों के घेरे में, भयभीत नहीं होंगे घंघोर अंधेरे में। हम सूरज भी हम चंदा भी, तुम मत समझो शबनम। हम सूरज भी हम चंदा भी, तुम मत समझो शबनम। लला 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 लला, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पर नहीं किसी से कम। आकाश तले जो फूल खिले वो फूल बनेंगे हम। यहाँ हमने चांदी का सामान भी देखा। इसके अलावा और भी कई राशि चीज़ें देखी। ऐसी रॉयल चीज़ें देखकर तो हमें बहुत ही आनंद आता है। ये राजस्थान के पॉपुलर संग्रहालय में से एक है। संग्रहालय को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आप जब भी यहाँ जाएंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये म्यूज़ियम इतना बड़ा और इतना अच्छा है कि इसे देखने में हमें 1 घंटे का समय लगा। यहाँ हमने कई रॉयल पोशाकें भी देखी जो कि बहुत ही सुंदर थी। बस ऐसे ही कुछ देर और म्यूजियम को देखने के बाद हम चल दिए लालगढ़ पैलेस को एक्सप्लोर करने। आपको बता दें कि ये सादुल म्यूजियम जो हमने आपको अभी दिखाया था, ये लालगढ़ पैलेस का ही पार्ट है। पहले हमने म्यूजियम एक्सप्लोर कर लिया, अब जा रहे हैं पैलेस को एक्सप्लोर करने। ये देखिए लालगढ़ पैलेस के बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ साउथ मूवी की शूटिंग हो रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। फिर पैलेस को अंदर से तो हम देख ही नहीं सकते, तो हमने सोचा आसपास के सुंदर व्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस मूवी का नाम तो हमें नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो यहाँ कई बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, जैसे बैंड बाजा बारात, जो कि रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की एक पॉपुलर फिल्म थी। मूवीज़ में रॉयल वेडिंग का सीन शूट करना होता है तो राजस्थान के पैलेस फिल्म मेकर की पहली पसंद होती है। ये जो वीडियो में विंटेज कार देख रहे हैं, ये शूटिंग के लिए यूज़ हो रही है। हमने बीकानेर घूमने की ऑलमोस्ट सारी जगह कवर कर ली है। कुछ एक रह गई हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी। हमें तो बीकानेर का लालगढ़ पैलेस बहुत ही खूबसूरत लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लालगढ़ पैलेस के पास गंगा राज की संग्रहालय भी है, आप चाहे तो उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंदर से तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, पर वीडियो में ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का एंट्री गेट है। नेक्स्ट हम नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका व्लॉग जल्द आने वाला है। आई होप आपको मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। जय माँ करणी।